तो उसका टेस्ट आ जाएगा। और ये देखिए सो यम्मी बन के रेडी है दही अरबी। अब ऐसे हम सर्व कर लेते हैं और श्री जी का भोग बन के रेडी हो चुका है। हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण राशि के चैनल में सभी का स्वागत है। और हम सब कैसे हैं, कान्हा जी कृपा से सब ठीक होंगे। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ राधा अष्टमी के लिए दही अरबी, जो बरसाने में बनती है और वही भोग लगेगा सबसे पहले, क्योंकि राधा रानी को हमारे श्री जी को बहुत प्रिय है। तो चलिए जी, मैंने अरबी ले ली है आधा किलो। अब मैं उसे एक सीटी दिला के उबाल लेती हूँ। देखिए मैंने पानी ले लिया है, अब एक सीटी बाद मैं इसको बंद कर दूँगी, ज़्यादा निकल आनी है। ठीक है, तो ये मैं चला दी है। ठीक है, और यहाँ ले लिया है मैंने एक थोड़ी बड़ी कटोरी में दही लिया है। अभी इसमें मैंने पानी डाला है, उसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी और फेंट के फिर आपके सामने मैं छोटी कटोरी रख रही हूँ, यानी कि कम से कम इसमें ये वाला जो छोटा स्पून है ये 4 चम्मच में डालूँगी, यानी कि आप बड़ी वाली जो आपकी करछी हो तो 2 चम्मच, 2 जो करछी होती है वो भर के आप दही लेंगे। ठीक है जी, तो ये देखिए एक कटोरी छोटी भर ले। अब जो अरबी को मैंने उबाल लिया था, मैंने एक सीटी पूरी और दूसरी आने वाली थी तब बंद कर दी थी, ये मतलब दूसरी सीटी आने वाली बंद कर दी थी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं ताकि पूरी गले ना। तो अब मैं इसे अपने हिसाब से, आपने जैसे काटना हो वैसे काट सकते हैं। ठीक है जी, अब एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में मैंने आधी करछी तेल डाल लिया है। अब तेल डालने पर अच्छी तरह उसको गर्म करें, आप देसी घी हो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं भोग के लिए, और सरसों का तेल के भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। ठीक है, इसमें मैं अजवाइन डाल दूँगी थोड़ी सी। देखिए अजवाइन आप अपने हिसाब से थोड़ी सी डालना, और ज़्यादा कड़वी भी हो जाती है इसलिए गैस बंद कर देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत तेज ऑयल हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूँगी डायरेक्ट दही, और दही को आपने डालना क्योंकि दही फट भी जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पानी मिक्स करके मैं डालूँगी थोड़ा सा। तो देखिए मैंने दही में पानी डाल लिया है, और ये ना गाढ़ा ना पतला, ये तो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको हिला लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए कई लोग डालते हैं और फिर गैस को फुल पे हम चलाएंगे। ठीक है जी, मैंने पहले डाल लिया है, अब हम मसाले डाल लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, और धनिया पाउडर छोटा, जो चम्मच होता है चाय पत्ती का वो डाल सकते हो, गरम मसाला, लाल मिर्च जितनी आप खाते हो उस हिसाब से, और नमक, और नमक स्वाद के अनुसार। ठीक है जी, तो मैं नमक भी डाल लिया है, और अब थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च चलाते हैं थोड़ा सा, तो इसको चला लेते हैं, थोड़ा चलाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, और हाथ के हाथ चलाते रहना है आपको। और किसी ने गीली बनानी है तो इसमें ही आप डाल देना, इसे आप चलाते रहिए ऐसे। तो ये ऐसे कम से कम मैं इसको 3-4 मिनट इस तरह से चलाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हरे कृष्णा। देखिए जी, तो यहाँ से थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि तेल सेपरेट होने लग गया है, और आपकी इच्छा हो तो आप पतली बना सकते हैं। पतली का मतलब ये है जैसे इसी में आप डाल के और 2 मिनट चला के बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कम पतली बनाऊँगी, मतलब रस मिसी सी बनाऊँगी। तो मैं इसमें सारे उबले हुए जो अरबी है, और एक तरह से ना ज़्यादा रसे वाली और ना ज़्यादा जैसी हम खा सकते। अब मैं इसे 2-3 मिनट के लिए फिर ढक के रख दूँगी, और फिर आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है दही अरबी। तो अभी फुल पे, लेकिन जैसे उबाल आने रख जाए तो मीडियम पे 2-3 मिनट पकाइए। और इसमें मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल लेती हूँ, तो उसका टेस्ट आ जाएगा। और ये देखिए सो यम्मी बन के रेडी है दही अरबी। अब ऐसे हम सर्व कर लेते हैं, और श्री जी का भोग बन के रेडी हो चुका है। तो हमने ये 3-4 मिनट बाद में और पकाया है तो ढक के, तो अब बन चुकी है सब्जी। चलिए जी मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ इसमें। तो ये देखिए यम्मी सी बन चुकी है अरबी, आप इस तरह से बना सकते हैं। जय श्री राधे। तो इस तरह से बनाए अरबी की सब्जी।